बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी एक नाप पर ग्राफिंग और कटिंग का तरीका। जो नाप दिया गया है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ, वीडियो के स्टार्ट पे भी मैं लगा लूंगी ताकि आप लोग के लिए आसानी रहे। इसकी टोटल लेंथ जो है शर्ट की वो 38.5 है, यानी 38.5 इंच है। कंधा 7 इंच का है। चेस्ट हमारे पास 20 इंच का है, पर इसमें मुझे इजाफा करना है 1.5 इंच का, यानी 21.5 इंच का मुझे चेस्ट रखना है। 18.5 इंच की कमर है, 21.5 इंच की हिप है। दामन 21 इंच है, चाक 17.5 पर खुलेगी और आस्तीन 19.5 इंच है। तो चलिए अपनी ग्राफिंग और कटिंग शुरू कर लेते हैं। जिनका भी नाप सेम है वो अपने लिए इसी नाप से ग्राफिंग कटिंग कर सकता है, और अगर किसी का नाप चेंज है तो वो ग्राफिंग कटिंग का तरीका तो ये इस्तेमाल करे, लेकिन नाप अपना रखें। सबसे पहले हमने कुल लंबाई का निशान लगाना है 38.5 इंच पे। इजाफी इसमें सिलाई के लिए मैं इसलिए नहीं रख रही हूँ कि इसके दामन पे मुझे लेस लगानी है 1/2 इंच की, तो वो इसके साथ ही टोटल आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने कुल लंबाई का निशान लगाना है तकरीबन 38.5 इंच पे। मेरे एक निशान लग गया है, 1/2 इंच शोल्डर में सिलाई के लिए जाएगा। यहाँ मैंने दूसरा निशान लगा लिया है, 7 इंच का मेरे पास कंधा आ रहा है, यहाँ से भी 7 इंच का रखना है। अब टोटल लंबाई जो हमारे कंधे की आ रही है, यहाँ से मैंने 1/2 इंच डीप लाइन के लिए दिए, 4 इंच पे हाफ का निशान लगा दिया है और 8 इंच पर मैंने यहाँ पे कंधे की लंबाई का निशान लगाया है। यहाँ से मैंने तकरीबन 7 इंच कंधा रखा था, यहाँ से भी 7 इंच चाहिए था, लेकिन अगर नॉर्मल स्लिम नाप होता, लेकिन इनके अरमोल का नाप बड़ा हुआ है, इस वजह से मुझे इसकी कंधे की लंबाई बढ़ानी हुई। अब यहाँ पे जो है मुझे बॉडी लंबाई का निशान लगाना होगा 14.5 इंच पे, 1/2 इंच शोल्डर पे जाएगा और 14 इंच की हमारे पास बॉडी लंबाई आएगी, यानी जहाँ पर हमारी कमीज की फिटिंग आती है। 17.5 इंच पर मैंने अपने हिप का निशान लगाया है, जहाँ पे हमारी चाक खुलेगी। चेस्ट के लिए मैंने यहाँ निशान लगाया है 11.5 इंच पे, सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। कमर के लिए मैंने यहाँ निशान लगाया है 9.2 पे, 18.5 इंच की हमारे पास कमर है, एक्स्ट्रा हम सिलाई के लिए रख लेते हैं और कटिंग के लिए। हिप मेरे पास 21.5 इंच की आ रही है, यानी 11.5 इंच का निशान हमने यहाँ लगाना है, सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखना है। दामन हमारे पास 21 इंच का है, 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे, एक्स्ट्रा रख लेंगे सिलाई के लिए। कंधे के हाफ का जो निशान लगाया था इस पे हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ करके यूं तिरछी लाइन खींच लेनी है। यहाँ से भी हमने 3 इंच का निशान लगाना है गले के लिए और 1/2 इंच हमने डीप लाइन में लेके जाना है। चेस्ट की लाइन तक हमने गोलाई दे देनी है। बैक साइड के लिए बैरूनी लाइन होगी, फ्रंट के लिए हमने अंदर की तरफ यूं शेप देनी है। चेस्ट से लेके कमर तक यूं लाइन खींच लेते हैं। बैरूनी लाइन हमारी ग्राफिंग कटिंग की है और अंदरूनी जो होगी वो हमारी सिलाई की होगी। ग्राफिंग यहाँ तक मुकम्मल हो चुकी है, बनाए हुए ग्राफ पर अब हम अपनी कटिंग करेंगे। जब भी जिनका चेस्ट भारी हो और हिप भारी हो या पेट भारी हो, तो उनके लिए यहाँ से गोलाई की शेप देनी होती है, और चेस्ट के पास से भी अगर सीना भारी हो तो गोलाई की शेप आएगी। अगर स्लिम बंदे का नाप है तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर लेके जानी है। कपड़े को यूं फोर फोल्ड पर फोल्ड कर दिया है। 19.5 इंच की मुझे आस्तीन चाहिए थी, 1/2 इंच मैंने आगे आस्तीन के फोल्डिंग के लिए रखा है और 1/2 इंच मैंने शोल्डर के साथ सिलाई के लिए इजाफी रखा है। अरमोल के लिए मुझे तकरीबन 11.5 इंच की गोलाई पे निशान लगाना है। 6.5 इंच पे अम्ब्रेला की फिटिंग आएगी और यहाँ से हमने लाइन स्ट्रेट खींच लेनी है। आज के नाप पर मैंने आपको एक शर्ट की ग्राफिंग और कटिंग का तरीका सिखाया है, और ये एक डिज़ाइनिंग सूट है। इसकी मुकम्मल ग्राफिंग, कटिंग, स्टिचिंग और आस्तीन, चाक, दामन और ट्राउज़र पे मुकम्मल इसकी डिज़ाइनिंग होगी। आगे की वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और औरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे एक नए काम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।